इंग्लैंड के खिलाफ साउथ शकील ने तूफानी शतक लगाया। टीम पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ही हारा हुआ मुकाबला ऐसे जिताया। अकेले साउथ शकील ने पूरी इंग्लैंड की टीम को रुला कर रख दिया। जी हां दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह से साउथ शकील ने लगाया तूफानी शतक और किस तरह से दूसरे दिन ही पाकिस्तान की कर दी जीत पक्की, बताएंगे आपको साउथ शकील के तूफानी शतक और मुकाबले के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी साउथ शकील के इस तूफानी शतक से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसका दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 267 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट खोकर 73 रन बना लिए थे। तब क्रीज पर साउथ शकील और कप्तान शान मसूद मौजूद थे। हालांकि दूसरे दिन जब बल्लेबाजी करने पाकिस्तान टीम मैदान पर उतरी तो पाकिस्तान टीम को शान मसूद के रूप में झटका लग गया, लेकिन दूसरे छोर पर साउथ शकील डटे रहे। साउथ शकील ने देखते ही देखते शानदार पारी खेली। भले ही एक छोर से लगातार विकेट गिरते गए हो, लेकिन दूसरे छोर पर साउथ शकील ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और देखते ही देखते उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा शतक है। आपको बता दें कि साउथ शकील की तूफानी पारी देखने को बनती थी। उन्होंने 134 रनों की पारी खेली, जिसके अंदर उन्होंने कुल 5 चौके लगाए। उनके 134 रनों की पारी के दम पर ही पाकिस्तान ने इंग्लैंड पर पहली पारी के आधार पर बढ़त बना ली है। पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में कुल 77 रनों की बढ़त बनाई है, जो कि पाकिस्तान की जीत में अहम योगदान निभा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि साउथ शकील की यह शानदार पारी पाकिस्तान टीम के लिए क्या रंग लाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।